मांगे मैं शहीदी का प्यारा मखदूम मांगे मैं शहीदी का प्यारा। अल्लाह फजर का टाइम हुआ था, फजर की नमाज पढ़े हमने मस्जिद में पीछे और अब हम रवाना हो रहे हैं माहिम की तरफ। ये मुंबई की सुबह सुबह टैक्सीज वाले तैयार हो रहे तय मंजिल पे जाने के लिए। ट्रैफिक का मज़ा ही अलग, जब यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है चलने के लिए भी जगह नहीं रहती है। हम फजर के टाइम में घूम रहे हैं यहाँ पर सुबह सादिक के 9 बजे के बाद, तो यहाँ पर पूरा ट्रैफिक हो जाता है जहाँ पे हम चल रहे। तो माहिम दरगाह जा रहे हैं हम, अब पैदल थोड़ा यहाँ पर से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन से इजी रहेगा हमारे को, 20 मिनट का रास्ता है। अगर हम दूसरा कुछ व्हीकल लेते हैं तो वो लॉन्ग जाएगा घूम फिर कर, तो हमको बेस्ट यही रहेगा एक तो बस एक तो ट्रेन। बस से जाएंगे तो बस बस जो है वो जगह जगह स्टॉप से रुकती है, तो उससे आना बेटर नहीं है, इसीलिए हमने एक ट्रैक चूज़ किया है यहाँ से नज़दीक ही है। वो ट्रैक को बताऊँगा नाम आपको मैं, अगर चाहो आप भिंडी बाज़ार ये साइड में आते हो ट्रेन लेकर आप ट्रेन से वहाँ पर 20 मिनट्स में आप पहुँच सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप ट्रेन ही लेकर जाओ, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत बढ़ जाता है 9 के बाद में, तो उसके लिए ट्रेन बेटर रहेंगी। टैक्सी से भी नहीं, टैक्सी वाले बहुत घुमाते हैं यहाँ पर, गोल 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 घुमाएंगे आपको, आपको चार्जेस भी ज़्यादा नहीं लेंगे, तो आपको दीदार कराते हैं हम अब रेलवे स्टेशन के, कहाँ से पकड़ना है ट्रेन और कैसा जाना है सब आपको तो ये व्लॉग में पूरा बता दूँगा। ग्रैंड रोड यहाँ पर से आपको मिलेंगी ट्रेन माहिम के लिए। मीटर को नहीं है क्या, बार बार देखना होगा अपने स्टेशन पे उतरना, दूसरे के स्टेशन में मत उतरना, और पैसेंजर अच्छे चुनना। देखो पान बन रहा है यहाँ पे, चाचा पान लगा रहे हैं। जे लोक सूर्या जे लोक सूर्याच्या आधी जगतात तेच लोक जग घडू शकतो, आणि जे सूर्या जे डोक्यावर येऊन उरतात त्यांचा काहीच करा नाही। मग भेटू आपण असं तारखेला चालू, आपण माहीम स्टेशनवर भेटू आपण। बघा जय हिंद जय महाराष्ट्र। हम माहिम बस अपने रेलवे स्टेशन पे उतर के, हम रेलवे स्टेशन पे माहिम के अब हम बाहर निकल गए, अब रोड से हम बाय वॉक जाएंगे, यहाँ पे 5 मिनट का ही रास्ता है, तो बाय वॉक पहुँचेंगे वहाँ पर दरगाह पर और आपको फिर ज़्यारत कराते हैं दरगाह के थोड़े देर में।
हमने आपको ज़ियारत करा थी अंदर की बारगाह की, और अब यहाँ पर पीछे के साइड में मस्जिद बनाई हुई है। जैसे कि हर दरगाह और हर खानगाह के अंदर मस्जिद अटैच होती है, क्योंकि पहला हुकुम वही है, नमाज़ पढ़ो तो इबादत करो, उसके बाद में खानगाह है सामने के साइड में मखदूम शाह सरकार की। हमने अंदर अंदर का भी व्यू दे दिया आपको, अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं था, फिर भी हमने वीडियो कैसे भी निकाल लिया आपके लिए, ठीक है। अंदर के साइड का सामने की साइड का पोर्शन है और उस साइड मस्जिद है पीछे की साइड में। यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है जो बनाया हुआ है। आपको पहले जो वीडियो मैंने किया था, पहले का जो शॉर्ट्स था उसके अंदर जो बनाया हुआ दरवाज़ा था वो बता दिया आपको, और कुछ एरियल शॉट दे देता हूँ अंदर के आपको पूरी ज़ियारत के लिए। सरकार पीछे के साइड का एरिया है मखदूम शाह सरकार के, पीछे के साइड में हम जा गए थे बीच पर। चल ये पीछे का साइड है मखदूम शाह सरकार की। कारी साहब ने हमको यहाँ पर लेकर आया पीछे के साइड में दिखाने के लिए। यहाँ पर थोड़ी साफ सफाई भी शुरू है। एक साइड में आए हैं मखदूम शाह सरकार के, यहाँ पर हमारे कुमार कारी साहब ने बीच दिखाने के लिए लाया है। यहाँ पर क्लीनिंग का कुछ चालू है प्रोसेस, तो क्लीन कर रहे हैं जितना भी कचरा ये आता है सब, उसको क्लीन करने का काम कर रहे हैं। एक ग्रुप से संडे चाहिए वर्क करते हैं, जितना भी बॉटल्स है पॉलीथीन से प्लास्टिक्स है जो बहकर किनारे पे आया था वो जमा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये साफ सफाई कर रहे हैं सारे सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो प्लास्टिक आता है फ्लो होकर वो सारा क्लीन कर रही है। ज़ियारत करके हम वापस बाहर निकल गए, अब कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे हम। बताओ कि दिन के फैन पे मखदूम शाह सरकार का बोलबाला है। मखदूम कबाब कॉर्नर, मखदूम पराठा, मखदूम सब यहाँ पर उनके ही नाम से शॉप्स के नाम रखे गए हैं।
कैब सेंटर साहब बाहर निकलने का ये रूट है, थोड़ा देखते हैं यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें खा लेंगे। ये चौक है मखदुम शाह सरकार का। अभी बाहर निकलते हुए हमारे साथ के जो है वो आगे चले गए, हम पीछे रह गए थे, थोड़ा शूट बाकी था इसलिए शूट लेने के लिए। चलो मिलते हैं आप कॉन्फ्रेंस में।